मध्य प्रदेश में हाथ से गई सत्ता फिर से लाने के लिए कांग्रेस अलग अलग तरह के अभियान चला रही है, जहां इसी क्रम में 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर के रीगल तिराज स्थित एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अन्य बेरोजगारी, महंगाई, नारी सम्मान और सुरक्षा, भ्रष्टाचारी, कमीशनबाजी, आदिवासी, दलित, ओबीसी अत्याचार, सांप्रदायिकता के खिलाफ यह सत्याग्रह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा। यहाँ प्रदेश के मतदाताओं को इस अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 55 जिले एवं 10 संभागों से सत्याग्रह अभियान में करीब 25,000 कांग्रेसी जोड़े गए हैं। वहीं इस अभियान में के अंतर्गत नवरात्रि उत्सव से दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजन, भाई दूज सहित अन्य विशेष दिनों में अलग अलग तरह से गतिविधियां संचालित की जाएगी और प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। लिए जारी किया है कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे कटनी है, जबलपुर है, अन्य जगह संपर्क करते हैं, उनको समझना रहता है, इसलिए वो नंबर जारी करके और उसका कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है। वो नंबर लगातार जारी रहेगा और जो भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर से ले सकते हैं। इस अभियान से जुड़ेंगे, लगातार अभियान के संबंध में डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचाई जाएगी और यह आंदोलन या अभियान में कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने मन से खुद शामिल हो सकता है, उसे कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं, उसे जनता तक सीधे पहुंचना है, बूथ तक सीधे पहुंचना है और सीधे वो काम कर सकता है। देखिए, हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं चुनाव आयोग के जो नियम है, दिशा निर्देश है, उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं है जिससे चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता है। प्रचार करना चुनाव की एक नियम, एक परंपरा है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना, भूलना, ये निश्चित तौर पर जनता का एक अभिमत है और उसको, जनता के अभिमत आक्रोश को सबके सामने लाना, ये हमारा धर्म है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे अभी जन आक्रोश यात्रा निकली, वो हमारे मंत्री स्तर के नेता, बड़े स्तर के नेता सब शामिल हुए, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ। कांग्रेस अगर जीतेगी तो बूथों से जीतती है। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सबसे बड़ा महत्व है, वही मंत्री बनाता है, वही मुख्यमंत्री बनाता है। हम लोग जो काम करते हैं, ये सब तैयारी करते हैं, तो कार्यकर्ताओं के दम पे ही इस आयोजन को चला पाते हैं। मैंने 90 दिन 90 सवाल अभियान चलाया, वो लगातार चल रहा है, वो जारी है, जनता भी उसको समझ रही है। सवाल पूछते हैं कार्यकर्ता, उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, जनता फिर उन सवालों के जवाब ढूंढती है और उनका मन बदलता है कि सरकार उखाड़ के फेंकना है। इन सब बातों से जनता तक जब पहुंचाया जाता है तो नीचे से ही बूंद बूंद से गाढ़ा भरता है। ये कांग्रेस या कांग्रेस के नेता सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका जो रोल है वो चुनाव में प्ले करता है। जिनको चुनाव लड़ना है निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, जिनको बूथ पे बैठ के वोट डलवाना है वो उनका काम। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर नेता महत्वपूर्ण है, हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और सबकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं। सभी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बनेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं, कमीशनबाजी की है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, महिलाओं का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, ओबीसी का अपमान किया है और जिस तरह से शासन चलाया है, अराजकता और कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम जनता को ये महसूस होता है कि उनको ठगा गया है, उनके वोट का भी अपमान हुआ है और जो कांग्रेस की सरकार 2018 में चुनी थी उसको धोखा देकर ये सरकार कायम हुई है। इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाना है, इसके लिए एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है, सत्याग्रह अभियान। इस अभियान के अंतर्गत एक एक कांग्रेस जन, ये जो प्रोग्राम के अंतर्गत बातें डिसाइड हुई हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे। इसी माध्यम से पहुंचाए जाएंगे कि 13 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक, 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इस आयोजन में 55 जिलों के और 10 संभागों के लगभग 25,000 कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम नवरात्रि शुरू होगी, नवरात्रि में हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हवन पूजन किए जाएंगे ताकि नारी सम्मान और नारी सुरक्षा कायम रह सके। लोगों में ये संदेश जाए कि मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कायम रखने के लिए जनता और कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश से एक भ्रष्ट सरकार, एक ऐसी सरकार जो नारियों का सम्मान नहीं करती है, सिर्फ ठगने के लिए उनको पैसा बांट कर वोट लेना चाहती है, उससे मध्य प्रदेश मुक्त हो और मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री कायम हो जो मध्य प्रदेश में नारी का सम्मान कायम कर सके और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस की सरकार का गठन 17 तारीख को वोट के माध्यम से हो। नवरात्रि के पश्चात दशहरे के दिन जो रावण दहन बुराई के रूप में प्रतीकात्मक किया जाता है, उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से 50% कमीशनबाज रावण का दहन पूरे मध्य प्रदेश में
जगह जगह किया जाएगा। कार्यकर्ता अपने घर के आगे भी एक पुतला बना के, एक कागज लगा के इस कमीशन बाज रावण का दहन इसलिए करें कि ये संदेश जाए, जनता का वो आक्रोश जाए, वो भाजपा के नेता ये समझ सकें कि अब उनका विदाई का समय आ गया है और अब उनको यहाँ से मध्य प्रदेश छोड़ के जाना है। तो निश्चित तौर पर हर गली हर मोहल्ले में 50% कमीशन बाज रावण का दहन किया जाएगा। इसके पश्चात धनतेरस पर पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रार्थना की जाएगी, ये प्रार्थना और पूजा की जाएगी कि मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके। 40,000 रुपये का कर्ज हर व्यक्ति के सिर पर है, जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कर्जदार बनके जन्म लेता है। ये सब करा है शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी सरकार ने। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, वोट के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, पैसा खजाना लुटा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 17 तारीख के बाद सरकार रहना नहीं है तो पूरा खजाना लुटा के चले जाएं। तो इससे बचाने के लिए, मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए ये प्रार्थना धनतेरस पे की जाएगी कि मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके और शिवराज सरकार मुक्त हो सके। इसके पश्चात दीपावली पर हर घर में एक तिरंगा दीपक जलाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो अंधकार है, जो कमीशनवाद सरकार कायम है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अनाचार बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश मुक्त हो, ये काली रात्रि समाप्त हो, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर भी तिरंगे दीपक जलाए जाएंगे। इसके पश्चात गोवर्धन पूजा पर पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन किए जाएंगे। ये निवेदन जनता से किया जाएगा कि गोवर्धन पूजा के दिन ये संकल्प लें कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्ट शिवराज सरकार है उससे मध्य प्रदेश मुक्त हो। गो संवर्धन के लिए, गो रक्षा के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जो 1000 गौशालाएं बनाई थी उनकी संख्या और बढ़े और गो संवर्धन के लिए एक बड़ा काम कांग्रेस सरकार कर सके, इसके लिए कांग्रेस को वोट दें और गो संवर्धन की रक्षा के लिए ये संकल्प लें। ये एक बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके पश्चात आखिरी आयोजन भाई दूज का आयोजन रहेगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस जन बहनों को तिरंगा रक्षा सूत्र बांधेंगे और उनसे संकल्प लेंगे कि कांग्रेस को वोट देकर मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और एक भ्रष्ट शिवराज सरकार से मध्य प्रदेश को मुक्त कराएं। यह आयोजन निर्बद्ध रूप से आचार संहिता का पालन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।